हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रोमी सिंह और आप देख रहे हैं दिस की रूट विद रोमी। तो गाइस, ये जो स्टेशन देख रहे हैं ये गोकर्णा का स्टेशन है और ये मेरे द्वारा देखा गया बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। इससे पहले जो देखे मैंने हिमाचल के अंदर टॉय ट्रेन के स्टेशन देखे हैं, इतना खूबसूरत ये स्टेशन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बस बैठ रहे हैं, गाड़ी से लेट हो जाए उसकी भी परवाह नहीं है, इतना बढ़िया स्टेशन ये बनाया गया है। आज हम जाने वाले हैं गोकर्णा से गोवा, और अगर आपको गोवा से गोकर्णा जाना है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे फेयर की, गाड़ी की टाइमिंग की, अगर आप पालोलेम बीच पे है वहाँ से भी टाइम आपको बताएंगे, वहाँ से आपको फेयर भी बताएंगे, और अगर आप मडगांव से हैं तो वहाँ से भी आपको टाइमिंग बताएंगे, वहाँ से फेयर बताएंगे, कितना टाइम आपको लगेगा, पूरी आपको जर्नी दिखाएंगे इंडियन रेलवे के सबसे सबसे खूबसूरत सफर पर गाइस आपको लेके चलेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस, जो ट्रेन का नाम है वो है मडगांव MMQ स्पेशल, और ये रोज चलती है मडगांव से और गोकर्णा से भी आपको रोज मिलेगी। पहले हम आपको बता देते हैं कि जो मडगांव से गोकर्णा का क्या टाइम है और उसका कितना फेयर लगने वाला है। तो मडगांव से गाड़ी चलेगी 1:50 पे, दोपहर को 1:50 पे चलेगी और आपको 3:30 गोकर्णा पहुँचा देगी। और गाइस, आप अगर पालोलेम बीच पे हैं तो वहाँ का जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है कानकोन का, कानकोना बोलते हैं उसे, और वहाँ पे चलेगी 2:23 से। 2:23 पे वहाँ से चलने के बाद आपको 3:30 ही ये गोकर्णा पहुँचा देगी। जबकि अगर आप बस पे आएंगे तो बस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और फेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा, तो उसमें आपको परेशानी काफ़ी ज़्यादा होगी। और ये ट्रेन का सफ़र है, ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर सफ़र है गाइस। तो अभी हम बात कर रहे थे फेयर के बारे में। तो अगर आप मडगांव से बैठ रहे हैं तो मडगांव से आपका गोकर्णा तक का जो फेयर लगेगा वो लगेगा 75 रुपीस, और अगर यही आप तत्काल कराते हैं, तत्काल ईजिली अवेलेबल हो जाती है टिकटें, तो अगर आपने पहले से बुकिंग नहीं कराई हुई है तो आप तत्काल करा लीजिए, तत्काल में सिर्फ 10 रुपये फालतू लगेंगे और आपका मडगांव से गोकर्णा का सिर्फ 85 रुपीस फेयर लगेगा। और अगर आप साउथ गोवा में हैं, पालोलेम बीच, एगौंडा बीच कहीं पे भी हैं, तो गाइस वहाँ से जो फेयर लगने वाला है वो लगेगा आपका 65 रुपीस, और यही सेम अगर आप उसको तत्काल बुकिंग कराते हैं ईजिली अवेलेबल हो जाएगी और वहाँ का आपका लगेगा 75 रुपीस, यानी कि 10 रुपये आपके फालतू लगेंगे और आप इस खूबसूरत सफ़र पर निकल जाएंगे, जो कि बहुत कम किराया लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा टैक्सी से और बस से, बहुत ही बढ़िया सफर रहेगा गाइस ये आपके लिए। तो अभी हम बात कर लेते हैं गोकर्णा से पालोलेम बीच पहुंचने की और गोकर्णा से मडगांव रेलवे स्टेशन पहुंचने की, वहां से कितना किराया होगा और क्या टाइम होगा। तो गाइस, गोकर्णा रेलवे स्टेशन से सुबह चलेगी गाड़ी 10:38 पे और मडगांव आपको ये 1:10 पे पहुंचा देगी। और अगर आपको पालोलेम बीच उतरना है तो आपको ये 12:30 के करीब आपको पालोलेम बीच ये पहुँचा देगी। तो गाइस, कानकोन का पालोलेम बीच का जो स्टेशन है वो आप देखने वाले हैं, ये पालोलेम हम पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, ये कानकोन आ चुका है। अगर आपको पालोलेम बीच जाना हो तो आप यहाँ पे उतर सकते हैं, और यहाँ से जो अगला स्टेशन आएगा वो बल्ली का आएगा, उसके बाद मडगांव का आएगा, लेकिन हम आपको डायरेक्ट मडगांव का स्टेशन नहीं दिखाएंगे अगला, ये कानकोन का रेलवे स्टेशन है। तो गाइस, हम मडगांव पहुंच चुके हैं, जो हमारा टोटल जर्नी टाइम रहा वो 2.5 घंटे रहा, और हमने इस सफ़र को बहुत इन्जॉय किया।
आप भी आएंगे तो आप इस सफ़र को काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो गाइस आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।